बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अपारा में, यानी कि इस्लामाबाद में। और यहाँ पे हम आपको बताएं कि इस्लामाबाद में लोग दूर दूर से आते हैं, घूमने के लिए आते हैं और सैर करने के लिए आते हैं। इसके अलावा रिहायश रहने के लिए आते हैं और उसके अलावा शॉपिंग के लिए आते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो इस शहर की खूबसूरती को मदहम कर देती है, आपको बताया कि ये इस्लामाबाद जो है बहुत पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत शहरों में आता है, जहाँ पर खूबसूरत शहर हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं। तो इस्लामाबाद भी एक ऐसा शहर है जिसमें लोग आते हैं, मतलब यहाँ पर रिहायश के लिए भी आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसके अलावा शॉपिंग वगैरह सारा कुछ। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि यहाँ पे कुछ शहर ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ बाज़ार ऐसे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे तजावुजात है। तजावुजात अगर कहा जाए तो पार्किंग का सही से ना होना, पार्किंग नहीं, जिसकी वजह से लोग जो है गाड़ियाँ रोड पर खड़ी करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में मुश्किल का सामना होता है। और उसके अलावा आपको बताएँ कि जो ख़ास बात है जिसकी वजह से लोगों को रास्ते में प्रॉब्लम होती है, वो ये होता है कि लोग जो बहुत से लोग अपनी दुकानों के आगे कुछ जगह किराए पे दे देते हैं, जिसकी वजह से लोग स्टॉल्स लगा लेते हैं और उन स्टॉल्स की वजह से बेतहाशा रश होता है और जो शहरी हैं उनको भी आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास करके लेडीज़ की अगर बात की जाए तो लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो रश में वहाँ से इस रश की वजह से और ये स्टॉल्स लग जाते हैं और जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसकी वजह से लोग जो यहाँ पर आते हैं तो स्टॉल की वजह से जो फैमिली जाते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप मेरे पीछे बैक साइड पे भी देख सकते हैं, ये अभी आपको हम दिखाएंगे, वीडियो में भी दिखाएंगे, जिसमें आप देख सकेंगे कि किस तरह से तजावुजात हैं, किस तरह से लोगों ने अपने जो आप कहें कि स्टॉल्स आगे लगाए हुए हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इसी वजह से। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें कि बहुत से लोग दूर दूर से भी आते हैं और दूसरे मुल्कों से भी आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान खास करके इस्लामाबाद में आके रिहायश पज़ीर होते हैं और यहाँ पर आके मतलब कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं और बाज़ारों में आते हैं। और बाज़ारों में अगर ये चीज़ अगर होगी, यहाँ पे तजावुजात होंगे तो वो भी इस चीज़ को महसूस करेंगे कि यहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा तजावुजात है जो शहर की खूबसूरती को मदहम कर देती है। और साथ ही आपने देखा कि गाड़ियाँ जो हैं, गाड़ियाँ आधी रोड को ढांप देती हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देती हैं, गाड़ियाँ लोग खड़ी करके आगे पीछे चले जाते हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो इसीलिए हम जो है हुकूमत से भी ये कहेंगे कि हुकूमत के फ़राइज़ हैं, जो मौजूदा हुकूमत होती है उसके फ़राइज़ होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ में ये चीज़ आती है कि वो ये चीज़ देखें और ये जो तजावजात जो होते हैं उसको ख़त्म करें, ताकि जो है शहरीों को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा जो स्टॉल्स लगे होते हैं उन स्टॉल्स का जो है ख़ात्मा किया जाए और एक अलग से उनको जगह दे दी जाए, ताकि जो है लोग वहाँ पर आएँ और अपने अलग से स्टॉल्स जहाँ पर हों वहाँ पर मार्किट हो, एक अलग से मार्किट हो, स्टॉल्स वहाँ पर लोग वहाँ पर ख़रीदो फरोख्त ईज़िली कर सकें और लोगों को जो रस्ते के प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो सकें। और उसके अलावा जो गाड़ियाँ, जो पार्किंग का मसला होता है, वो भी एक पार्किंग एरिया बना दिया जाए, जिसकी वजह से जिससे पार्किंग अगर होती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि जैसे ही पार्किंग गलत पार्किंग होती है तो गाड़ियों को आने जाने में मुश्किलात होती है, रश पड़ जाता है, जिससे शहरी मुश्किलात का सामना करते हैं। तो इसीलिए हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट है और एक इल्तिजा है शहरियों की तरफ से भी कि एक अलग से पार्किंग एरिया बना दिया जाए और एक जो स्टॉल्स हैं उनको भी ये खात्मा कर दिया जाए, तो ताकि यह कि शहरी मुश्किलात से बच सकें। ये जो सड़क पर नाजायज़ तजावुजात कायम कर रखी हैं लोगों ने, ये आवाम के लिए मसाइल हैं सारे, और इससे रोड ब्लॉक हैं, आने जाने में दुश्वारी है, और जिन लोगों के कारोबार हैं वो कारोबार से भी तंग हैं, और जो लोग आते जाते हैं मुसाफिर वो भी परेशान होते हैं, इससे काफ़ी सारे मसाइल सामने आते हैं। सर, ये जो नजायज़ जिन लोगों ने ठेले लगाए हुए होते हैं, तो मतलब ये चीज़ें सही नहीं हैं, तो हमारी हुकूमत को इन चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए और इससे जो है मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह हर चीज़ डिस्टर्ब होती है, फैमिलीज़ वगैरह मतलब आती हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, वो थोड़ा सा इरिटेटेड फील करती हैं। तो उसमें ये कि ना मतलब यहाँ के जो इलाके के मतलब जो भी बड़े सरबराहान होते हैं उनको चाहिए कि इनके ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए और मार्केटिंग को जो है ना मतलब उस लिहाज से मतलब उसको जो है मतलब पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि एक दुकान के अंदर तक होना चाहिए जितना भी इनका कारोबार है, जो भी कुछ है, मतलब बाहर नहीं आना चाहिए। तो मेरी इस लिहाज से मेरी ये अपील है कि मतलब हुकूमत को इस चीज़ पर एक्शन लिया जाए। थैंक यू। प्रोग्राम आपने सुना और अभी कैमरामैन फ्रांसिस के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।